हे गाइस, ये वीडियो रियलमी बर्ड्स वायरलेस और रियलमी बर्ड्स 2 के बीच कंपैरिजन वाला होने वाला है। तो आप लोग कहोगे तो इसका कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो 1500 का है और ये 500 का, मतलब दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस की बात करें तो 1000 का मतलब इसका 3 गुना है ये, अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इसका कंपैरिजन क्यों कर रहे हो। तो हमारे हिसाब से इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये लोग खरीदते हैं वो खुश नहीं रह पाते हैं, वो इसके बारे में सोचते रहते हैं कि कहाँ से हम वायरलेस ले लें। तो आज हम यही सब सच्चाई बताएंगे कि आप इसको लेकर किस तरीके से आप इससे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और इसका क्या अलग से कुछ फायदे हैं और क्या हम पबजी खेल सकते हैं दोनों पहन कर, क्योंकि ये 1500 का है तो क्या पबजी खेल सकते हैं, सब लोग सोचेंगे हाँ खेल सकते हैं, और क्या इसमें अगर पबजी खेलेंगे तो किस तरीके से एक्सपीरियंस मिलेगा। तो काफ़ी ये चीज़ें आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस और भी चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग होने वाला, और हम इसके पहले इसका अनबॉक्सिंग भी कर रखे हैं और इसका रिव्यू कर रखा और इसका भी रिव्यू कर रखा और एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने Realme Buds 2 और Boat Bassett 225 का फुल रिव्यू उसमें भी किया था कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज उस समय सेम था जिसमें मैं अभी भी सेम है। तो आप चाहो तो देख सकते हो इन दोनों वाला भी वीडियो, लेकिन आप सिर्फ Realme के इन दोनों को देखना चाहते हो कि इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए, किसमें पबजी क्वालिटी कैसी है और प्राइस रेंज में के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, सबसे पहले अगर इसके बॉक्स स्पेसिफिकेशन की बात करें या बॉक्स कंटेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो बॉक्स तो काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है, और अगर बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो आपको बॉक्स के अंदर आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाता है अगर Realme Buds 2 की बात करें तो, और उसमें भी आपको 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलता है, और ये यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसमें आपको थोड़ा गाइड करके दिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से इसको यूज में ला सकते हो, और इसमें एक ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बॉक्स तो देखा ही काफ़ी प्रीमियम है, इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है कि आप किस तरीके से इसको मतलब यूज़ तो नहीं कर सकते हो, क्या क्या इसमें फीचर्स है, क्या प्राइस है, क्या कहाँ बना है, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर ये वायरलेस की बात करें तो इसमें भी आपको जैसा कि बताया इसमें भी 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, 1 पेयर आपको लगा मिलता है, और यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिससे आप वायरलेस को किस तरीके से यूज कर सकते हो वो दिया हुआ है, या कौन सा वर्जन या कितने प्राइस है सब इसमें आपको मिल जाते हैं। और ये सिंपल सा आपको जो मिलता है हर बॉक्स में किसी भी वायरलेस वाले में, वायरलेस तो ईयरफोन मिलेगा ही आपको, और बॉक्स जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, देखो किस तरीके से स्लाइड होकर खुलता है, काफ़ी प्रीमियम है। इसके भी पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है जो कि आपको डिटेल में अभी वीडियो के आगे देखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें Realme Buds 2 की, तो जैसा कि एक वायर ईयरफोन है तो इसमें जो अलग मिलता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि ये वायर है तो इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है जो कि गोल्ड प्लेटेड नहीं है, सिल्वर प्लेटेड है और एल शेप का नहीं है, तो कुछ लोग के लिए ये माइनस मार्किंग भी हो सकता है, कुछ के लिए अच्छी भी होती है, क्योंकि कुछ लोग के लिए ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है, कुछ लोग को जो एल शेप इस तरीके से मुड़ा होता है वो अच्छा लगता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और अगर इसके वायर क्वालिटी की बात करें तो जैसा कि वायर वाला ईयरफोन है तो वायर क्वालिटी काफ़ी मायने रखती है कि किस तरीके से हमको वायर मिलती है, तो इसमें एक ब्रेडेड या जो कहते हो आप कैबलार केबल, इसमें एक फाइबर का इसके ऊपर लेयर लगा होता है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है, अगर आप लंबे समय के लिए यूज करना चाहते हो तो आप ये ईयरफोन ले सकते हो अगर वायर की बात करें तो। और इसमें जो एक अलग से मिलता है जैसा कि वायर क्वालिटी वाला ईयरफोन है तो इसमें केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है, जैसे कि आप जानते हो वायर वाले में केबल उलझ जाते हैं, तो आप अगर कभी कैरी करते हो तो आपको जो ये वायर मिलता है आप इसको ऑर्गेनाइज करके इसको बांध सकते हो, जिससे कि आपका मतलब जब कैरी करते हो यहाँ से यहाँ दूसरे जगह जाते हो तो आपको आसानी होगी कैरी करने में, और सिंपल से आपको कभी ये उजराएगा भी नहीं, और मतलब टैंगल फ्री की तरीके आप यूज़ कर सकते हो। इसके बॉक्स में भी थोड़ा बहुत लिखा था कि ये एक टैंगल फ्री वायर है, तो उतना टेंगल नहीं है लेकिन आपको एक ब्रेडेड और थोड़ा बहुत टेंगल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इसके कुछ उसमें इसमें जो नहीं मिलता है जो उसमें मिलता है तो इसमें एक आपको जैसा कि देख रहे हो ये ईयर हुक मिल जाता है, और इसमें आपको ईयर हुक नहीं देखने को मिलता है। हाँ तो ये एक वायरलेस है तो उसमें ईयर हुक मिल जाता है क्योंकि उसमें गिरने उड़ने की डर होता है, ये तो एक वायर है तो आपके शरीर से लिपटा ही रहेगा तो कोई डर नहीं है कि आपके से गिर जाएगा। तो ये था आपका Realme Buds 2 जो कि कुछ अलग मिलते हैं उससे, और अगर इसकी बात करें जो कि इसमें नहीं मिलते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है जैसे कि ये एक वायरलेस है, सबसे पहले तो इसको चलाने के लिए आपको 110 mAh की बैटरी मिल जाती है इसमें, जो कि कंपनी के क्लेम के हिसाब से आपको 12 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो लगभग
12 घंटे तो लगातार यूज नहीं किया, लेकिन हाँ कभी कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 50% वॉल्यूम पे, कभी 80% वॉल्यूम पे, कभी 40% वॉल्यूम पे, तो इस तरीके सुना। तो हमें 10 to 12 आवर के बीच में लगभग हमें मिल गया, तो मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही है लगभग सही है, लेकिन कंपनी जो क्लेम कर रही है 12 आवर वो 50% वॉल्यूम पे है। तो आप किस तरीके से आप सुनते हो उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका बैटरी लाइफ काफ़ी सही है, अगर एक इस प्राइस रेंज में अगर वायरलेस की बात करें तो काफ़ी सही है, 12 आवर का मायने ही रखता है किसी वायरलेस ईयरफोन के लिए। और ये जैसा कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन है तो इसमें ब्लूटूथ का 5.0 मतलब 5.0 देखने का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है अभी के समय में देखा जाए तो, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी मिल जाती है 10 मीटर के रेंज तक, तो किसी भी प्रकार का चाहे जितने दीवार आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगर ओपन में जाते हो तो 10 मीटर से ज़्यादा भी आपको मिल सकता है रेंज, और अगर दीवार वाल आ रहे हैं तो 10 मीटर से ज़्यादा आप नहीं जा पाओगे। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है ब्लूटूथ 5.0 के हिसाब से। और ये जैसे कि एक वायरलेस है तो आपको इसमें IPX4 भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपको पसीने आते हैं या स्वेट आता है तो आप काफ़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है ना कि वाटर प्रूफ। तो आपको थोड़ा बहुत अगर पानी के छींटे भी पड़ जाएंगे तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे, जैसे जिम उम जाते हो या स्पोर्ट्स वाला काम करते हो तो आप इसको पहन कर आसानी से कर सकते हो। और इसमें जो ये नेक बैंड आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी सॉफ्ट है और स्किन फ्रेंडली है, मतलब कोई भी स्किन डिजीज नहीं होंगे, मतलब कितने होते हैं नेक बैंड जो स्क्रीन को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे हैं और हल्के हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गले में पहने हो, मतलब दिन भर आप गले में पहने रहो, मतलब सुनो नहीं पहने रहो, जब जरूरत है जब पहन लो और निकाल दो, लेकिन आप नहीं भी निकालो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके गले में कुछ है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट और हल्का आपको नेक बैंड देखने को मिलता है, और जैसा कि बताया कि इसमें एक ईयर हुक देखने को मिलता है जो कि उसमें नहीं देखने को मिलता था, तो ये काफ़ी आसानी करता है आपको कान से नहीं गिरने के लिए। तो ये जब आप लगा लेते हो तो आपके कान में ये टिका होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि दोनों में क्या क्या अलग अलग चीज़ें मिलती है, अगर दोनों में सेम चीज़ की बात करें तो दोनों में ही आपको 11.2 mm का बेस बूस्टर मिल जाता है। जैसा कि देख रहे साइज भी सेम है, अगर ये आपको ईयर हुक निकाल दिया जाए तो बिल्कुल साइज आपको सेम ही देखने को मिलेगा, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। तो दोनों में 11.2 mm का बेस बूस्टर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा, और दोनों में 3 पेयर वो मिल जाता है, जैसे कि 1 पेयर इसमें लगा होता है और 2 पेयर आपको अलग से ईयर टिप्स मिल जाते हैं, तो अपने साइज के हिसाब से आप चेंज करके यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको ज़्यादा नॉइज आइसोलेशन दे तो उसको आप यूज़ करके लगा सकते हो। और तीनों में अगर रिमोट की बात करें तो तीनों में आपको 3-बटन एक्सेस रिमोट देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि देख रहे हो दोनों का रिमोट, तो जैसा कि ये देख रहे हो वायरलेस है तो इसमें आपको यहाँ पर माइक देखने को मिल जाता है, यहाँ इसको पीछे माइक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर लाइट भी देखने को मिलता है, जो कि पेयरिंग या बैटरी डिस्चार्ज अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से ये ब्लिंक करता है। और यहाँ जो ये 3 बटन है ये बीच वाला जो है रियलमी के ब्रांडिंग के साथ, तो ये रियलमी के ब्रांडिंग वाला बटन है जो मल्टी फंक्शनल बटन है, मतलब यहाँ से सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल को पिकअप या कट कर सकते हो, या फिर डबल टैप से नेक्स्ट सॉन्ग या ट्रिपल टाइप से प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम को तो कंट्रोल कर ही सकते हो, और यहाँ पर भी वही काम करता है जैसे कि इसमें काम करता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें, जो बटन की क्वालिटी होती है टेक्टाइल की, तो इसमें आपको जो देखो पूरा एक ही तरीके के पूरा उठा हुआ, इसमें है कि बीच वाला अलग कर दिया गया, तो इससे आपको इसमें थोड़ा पता चलता है कि ये वॉल्यूम प्लस है तो ये माइनस होगा, और बीच वाला भी अलग से, और टेक्टाइल की भी आवाज़ आती है आपको, इसमें बिल्कुल टेक्टाइल की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको पहने रहोगे उस समय आप करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा देर लगेगा समझने में कि कहाँ पे प्लस है, प्लस तो समझ जाओगे ऊपर है नीचे, लेकिन तीनों बटन एक ही लाइन में आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है जज करने में कि कौन सा मल्टी फंक्शनल बटन है। इसमें काफ़ी आसान है, लेकिन इसको भी सुधारने की ज़रूरत है, ये तो बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है इसमें। तो रिमोट आपको इसमें अच्छा मिलता है इसके कंपेरिजन में रियलमी बड्स 2 में। तो ये था रिमोट की बात, और मैग्नेटिक कंट्रोल दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि देख रहे हो इसमें भी आपको मैग्नेटिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है वायरलेस में, और उसी के साथ पीछे ये रियलमी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, जो कि देखना काफ़ी ज़रूरी है आपको, क्योंकि आजकल इसके फेक प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं जिसमें ये रियलमी की ब्रांडिंग नहीं होती, क्योंकि आपको सेल में देखते हुए 300-200 का मिल रहा था आप तुरंत उस पर टूट पड़ते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो इसके पीछे ब्रांडिंग है कि नहीं, तो वो भी देख लेना ज़रूरी है। और इसमें जो यहाँ लेफ्ट और राइट की जो
मार्किंग ये थोड़ा छुपा कर दिया गया, कितने लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये तो एक एंगल पे टिल्ट किया हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हो कि कौन सा ईयरफोन कौन से कान के लिए। तो ऐसे राइट और लेफ्ट का मार्किंग दिया हुआ। और इसकी बात करें तो इसमें भी आपको उसी तरीके के मैग्नेटिक कंट्रोल मिलते हैं और लेफ्ट और राइट का सिंबल मिल जाता है, और दोनों में यहाँ पर दो होल देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो हमारे हिसाब से एक नॉइज रिडक्शन के लिए होगा और एक बेस को प्रोड्यूस करने के लिए मदद करती होगी। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें, जैसे कि ये मैग्नेटिक कंट्रोल है, तो ये वायरलेस वाले में तो काम करता है कि हाँ ठीक है, इसमें जब ये चिपक जाते हैं तो जब इसे आप गाना सुन रहे हो और आप इसको हटा कर इसको इस तरीके से अटैच कर दोगे तो गाना बंद हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये खुद भी बंद हो जाएगा। तो इससे काफ़ी बैटरी आपको देखने को मिलता है, मतलब बचता है। और इसमें अगर बात करें तो ये बस ऐसे शो पीस के लिए आपको दिया हुआ है, और इसको जब ऐसे चिपकाते तो काफ़ी हल्का महसूस होता है। ये वो ऑब्वियस की बात है कि इसमें कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ तो वो तो हल्का रहेगा, इसमें यूज किया हुआ है तो इसमें थोड़ा हैवी महसूस होता है कि हाँ इसमें मेटल हैवी टाइप के दिया हुआ, लेकिन दोनों में सेम है, बस उसमें यूज किया हुआ है इसलिए थोड़ा हैवी लगता है। तो ये आपका दोनों मैग्नेट या ईयरबड्स की बात करें तो मिल जाता है। और इसमें जो यहाँ पर ये ईयरबड्स से और यहाँ तक जो क्वालिटी मिलती है, और इसमें जो ईयरबड्स से यहाँ तक की जो क्वालिटी मिलती है, ये दोनों में आपको टेक्सचर टाइप का मिलता है, जो कि नॉर्मल जो रबर टाइप का होता है सिंपल सा, उससे तो थोड़ा अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ये काफ़ी मजबूत देखने को मिल जाता है। तो वायर क्वालिटी तो इसकी ज़्यादा मजबूत है, इससे ये वाला तो इसकी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है थोड़े महंगे हैं और वायरलेस है तो थोड़ा ड्यूरेबल इसको ज़्यादा बनाया गया। और इसके ये इधर वाला वायर है जो काफ़ी मजबूत है। ईयरफोन लेते हो तो उसमें कुछ खराबी आ जाती है या कुछ काम करना बंद हो जाता है किसी एक ईयरफोन में, तो अगर 6 महीने के अंदर ये सब प्रॉब्लम आती है तो आपको नया ईयरफोन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको दोनों में 6 महीने की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके कंफर्टेबल की बात करें, कंफर्टनेस की, तो जैसा कि ये एक वायर है तो इसमें तो जो झेलना पड़ता है वायर वाले में वो तो आप झेलोगे, लगाओ शर्ट के अंदर घुसेड़ो, तो ये सब तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा कि वायर वाले में जो करना पड़ता है। लेकिन एक अलग तरीके जो कम्फर्टनेस होती है कान के मामले में, तो कान में जब इसको डालोगे तो काफ़ी मतलब एक जैसे कि ये जानते हो ये प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक के साथ ये काफ़ी हल्के हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मजबूत प्लास्टिक है ये, कि नहीं कोई चीप प्लास्टिक है। तो जब आप इसको कान में जब पहनते हो तो काफ़ी एक मतलब हल्का महसूस होता है प्लास्टिक होने के कारण, और काफ़ी लंबे समय तक आप पहन सकते हो, 2-3 घंटे आराम से आप इसको पहनकर गाने सुन सकते हो। और जो इसमें एक और मेन बात है, जो यहाँ आपको ये मेटल का देखने को मिलता है, ये हमें काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि किसी में मच्छरदानी टाइप का यहाँ मिलता है तो कुछ दिन के बाद वो अंदर ही घुस जाता है या बाहर निकल जाता है, तो वो इसमें आपको देखने को मिलता है, ये काफ़ी मजबूत मेटल टाइप का स्टील टाइप का देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिला है, ये काफ़ी जल्दी अंदर भी चला जाता है, और कितने में ये निकाल दो तो अंदर घुसता ही नहीं, तो ये सब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो इसकी ये बात हो गई, इसकी तो ये वायरलेस है तो इसकी अपनी अलग कम्फर्टनेस है कि आपको वायर वाले से झंझट नहीं रहेगा, सिंपल से गले में पहने रहो दिन भर और जब पहना जब कान में लगा लो। और इसमें इसका इसमें भी आपको जो जो उसमें मिलता था कम्फर्टनेस ईयरबड्स के मामले में, वो भी इसमें भी देखने को मिलेगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ईयर हुक मिल जाता तो थोड़ा और भी स्टेबल रहेगा आपके कान में। तो ये था दोनों में कम्फर्टनेस के बारे में। तो अब चलिए मेन जो इसके दोनों की बात होगी साउंड क्वालिटी की बात में, और क्या हम पबजी खेल सकते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बेस की बात करें दोनों में, तो जैसा कि आप जानते हो दोनों में ही आपको 11.2 mm का बेस बूस्टर मिल जाता है, तो दोनों में आपको बेस के मामले में 19-20 का फर्क मिलेगा। कभी आपको जैसे परसेंट टू परसेंट निर्भर करता है, कभी कोई लोग कहेंगे कि इसमें हमको 20 लग रहा है, ये 19 लग रहा है, कोई कहेंगे हमें ये 20 लग रहा है, ये 19, मतलब बेस के मामले में 19-20 का फर्क है, आपको जज करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों में 11.2 mm का बेस बूस्टर मिलता है, दोनों ही एक ही कंपनी का, तो आपको जज करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो साउंड आपको दोनों में ही आपको अच्छे मिल सकता है, जैसे जानते हो साउंड लो फ्रीक्वेंसी होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें जैसे ट्रेबल, तो वो आपको इसमें और इसमें भी मतलब मिड रेंज में मिल जाता है, मतलब ना कि काफ़ी प्रीमियम ना कि काफ़ी लो मिलता है, मतलब हम जो भी अभी बात कर रहे हैं वो इसी ईयरफोन के प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें, जैसे इसकी बात करें तो 600-500 के प्राइस रेंज के हिसाब से बात करेंगे, इसकी बात करें तो 1500 और ईयर वायरलेस को ध्यान में रखकर बात करेंगे, ये कि नहीं इसकी बात करें तो भी इसी को लेकर बात करेंगे। तो अपनी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और पर्सन टू पर्सन अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि बेस दोनों में सही मिलता है, और जो ट्रेबल मिलते हैं जो हाई टोन होते हैं
वो भी दोनों में अपने अपने प्राइस रेंज में मतलब अच्छा मिल जाता है, बीच का लेवल मिल जाता है, ना कि ज़्यादा बहुत अच्छे ना कि ज़्यादा खराब। और वोकल्स की बात करें, जैसे सिंगर उंगर की आवाज़ होते हैं या फिर जो भी म्यूजिक में है या जो भी पिक्चर देख रहे हो उसमें जो आदमी की आवाज़ होती है वो काफ़ी इसमें क्रिस्टल और क्लियर सुनाई देता है, मानना पड़ेगा इसमें। और इसमें दोनों में क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात करें, जैसे जितने सारे म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उसको अलग अलग किस तरीके से सुन पाते वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और सराउंडिंग साउंड की बात करें तो इसमें भी आपको सराउंडिंग साउंड मिलता है, इसमें भी आपको सराउंडिंग साउंड मिलता है, लेकिन पबजी की बात अभी बाद में करेंगे। तो सराउंडिंग साउंड मतलब जानते हो कि चारों दिशाओं से आपको लगेगा कि आवाज़ आ रही है, अगर बाइक इधर से उधर जा रही है तो आपको पता चलेगा कि हीरो इधर से इधर बाइक चला रहा है, तो सब आपको इसमें सराउंडिंग साउंड देखने को मिल जाएगा। और अगर आवाज़ की लाउडनेस की बात करें, मतलब कितना ज़्यादा हम आवाज़ करके सुन सकते थे, ये जैसा कि बाहर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन हाँ बताना हमारा काम है, तो इसमें काफ़ी आपको लाउडनेस देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब उतने लाउडनेस पे आप सुन भी नहीं सकते हो, बहरे हो जाओगे। तो हमारा यही रिकमेंड होगा कि आप ज़्यादा वॉल्यूम पे ना सुनो, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम पे सुनने पर कोई भी ईयरफोन हो उसमें थोड़ा बहुत तो आवाज़ में मतलब गिरावट आती है, तो आप एक 80% वॉल्यूम तक अगर सुनोगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी ईयरफोन हो, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी ईयरफोन हो। और ज़्यादा बात जैसा कि इसमें और इसकी बात करें तो इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि ये वायरलेस है तो अपना बैटरी लाइफ बचाने के लिए ये कम लाउडनेस है ये ज़्यादा लाउडनेस है, दोनों में आपको सेम लाउडनेस मिल जाती है, किसी से ये कम नहीं है ना किसी से ये ज़्यादा है, मतलब लाउडनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा इसमें है। और जो एक और बात बता दें कि जो वॉल्यूम कंट्रोल है यहाँ पर आपको अलग से 15 लेवल मिलते हैं, मतलब यहाँ से 15 बार बढ़ा सकते हो और मोबाइल से अलग, मतलब यहाँ पर अगर 10 लेवल पे किए और मोबाइल से पूरा फुल कर दिए तो मतलब इसका फुल लाउडनेस पे आप नहीं सुन रहे हो, इसमें पहले आपको पूरा 15 पे मतलब करना पड़ेगा फुल और मोबाइल से भी फुल करना पड़ेगा, तब आप इसकी फुल लाउडनेस सुन सकते हो, जो कि इसके बराबर होगा और ईयरफोन जो भी ज़्यादा लाउडनेस होते हैं उसके बराबर होगा। तो ये हो गया दोनों की जो वॉइस क्वालिटी या किस तरीके से लाउडनेस आती है, मैंने सारी चीज़ें बताई। अब जो होती है बात पबजी की, तो पबजी क्या हम इसको पहनकर खेल सकते हो, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो हाँ भाई लोग इसको आप पहनकर पबजी खेल सकते हो। और पबजी में जितने सारे ईयरफोन में जो गुण होते हैं ये उसमें हैं, क्योंकि एक मजबूत ईयरफोन है पबजी के लिए बेस्ट है और कंफर्टेबल भी है, ज़्यादा देर अगर पबजी खेलते हो तो भी ये कंफर्टेबल है कि आप ज़्यादा देर पहनकर खेल सकते हो। एक एंगल पे टिल्ट है, आइसोलेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बाहर का नॉइज आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जो इसके सराउंडिंग साउंड इफेक्ट है काफ़ी ज़बरदस्त है, जब आप पबजी खेलते हो तो जैसे आपको कुछ जैसे छत पर से कोई कूद जाता है आपका एनिमी ही पीछे ही जबकि कूदा हो या साइड में, तो आपको पता चलेगा कि आगे कूदा है कि पीछे कूदा है, आप जज कर पाओगे इसमें बिल्कुल आसानी से कि एनिमी कहाँ से आ रहा है, छत के पहले मंजिल पे है कि दूसरे मंजिल पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसको आपको पबजी खेलने में आपको मिलेगा। और जब भी गन लोड करते हो या फिर किसी तरीके से एक्टिविटी करते हो या फिर कुछ पीते हो जैसे पेन किलर हुआ या फर्स्ट एड किट लगाते हो, तो उसमें जो आवाज़ आती है ना इसमें काफ़ी गजब की सुनने को मिलेगा, मतलब और ईयरफोन को चीज़ इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता। तो अगर आप पबजी के लिए जाना चाहते हो तो भाई लोग ये इतना बेस्ट ईयरफोन है कि आप मतलब हम क्या बताएं, आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो पबजी के लिए। और अगर इसकी बात करें कि पबजी इसको पहन कर खेल सकते हो, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसको पहनकर पबजी नहीं खेल सकते। हाँ सराउंडिंग साउंड मिलता है, लेकिन वो सिर्फ जब आप म्यूज़िक या मल्टीमीडिया प्लेयर या मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा सराउंडिंग इफेक्ट मिलता है, लेकिन ये पबजी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक वायरलेस है, इसमें आपको डिले देखने को मिलता है, जब आप गोली चला रहे हो अभी तो इसमें आपको कुछ सेकेंड मतलब एक सेकेंड या आधा सेकेंड बाद आपको सुनाई पड़ता है, तो उसमें आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आपको इसमें बिल्कुल तुरंत मर जाओगे अगर इसको पहनकर पबजी खेलोगे। तो ये था दोनों का पबजी रिव्यू। तो अगर हम अपना कंक्लूजन बताएं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो अगर हम आपको बता दें कि आप एक गेमिंग हो और ओवरऑल हर चीज़ आपको सही चाहिए, पैसे भी आपके पास कम है, तो आप इसके लिए आँख बंद करके जा सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे भी है, आप गेमिंग वेमिंग में ज़्यादा मतलब बिलीव नहीं करते हो या नहीं खेलते हो या कभी कभी खेलते हो, तो आप किसी भी ईयरफोन से खेल सकते हो, तो आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल में अपना मतलब अलग लेवल है इसका कंफर्टनेस में, और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छा, वायरलेस तो ये वायरलेस में अपने जगह पे काफ़ी बेस्ट, अगर अंडर 2000 या अंडर 1500 की बात करें तो ये नंबर 1 पे आता, और ये वायर वाले ईयरफोन की बात करें तो अंडर 500 में नंबर 1 पे आता, तो आपने अपने प्राइस रेंज में दोनों ही नंबर 1 है, तो आप किसी के लिए भी जा सकते हो, आप अपना प्राइस रेंज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ बताने की
कोशिश की, अगर आप भी ईयरफोन यूज करते हो, ईयरफोन जो भी यूज करते हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा, और अगर आप कोई भी ईयरफोन यूज करते हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या आगे किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ जवाब देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।